Hello friends, I am Pooja from Dehradun, India. Welcome my channel. Guys, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ जब मैं आपसे बातें करती हूँ, जब आपको अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़ देती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. कुछ बुरे भी होते हैं बट आई लाइक इट. मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मुझे तब भी बहुत खुशी होती है. और उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी मुझे अच्छे बुरे कॉमेंट करते हैं. थैंक यू सो मच. और प्लीज़ करते जाइए और प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए. कुछ मुझे व्हाट्सएप पर करते रहते हैं, मैसेंजर पर करते हैं, प्लीज़ यहाँ पर कॉमेंट कीजिए. और गाइस, तो एक और चीज़ है कि आज का मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए. मुझे बहुत अभी कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लिखते हैं मुझे. कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर परेशान हो रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए. अगर आप होपलेस हो गए तो वो होप कभी ज़िंदा हो ही नहीं सकती. और देखिए गाइस, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी कारण की वजह से होता है. बस आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी चाहिए, आपको अच्छा करते जाना चाहिए. दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, अपने आप अच्छा करिए, लोग आपके साथ रिवर में खुद अच्छा करेंगे. और नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपके नाम के जो ब्लेसिंग है, जो आपके नाम के सिक्के हैं, वो भगवान के यहाँ छप जाते हैं और वो आपको यूनिवर्स से वो पॉजिटिव पाथ मिलती है. एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे कि अप डाउन्स कैसे लाइफ में चेंज होते हैं और कैसे आ जाते हैं. गाइज, मेरी एक मासी हैं, दूर की मासी हैं, वो बहुत रिच थे, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच थे और वो उनको बहुत प्राउड भी था अपनी प्रॉपर्टी पे कि भाई बहुत ज़्यादा करोड़ों का घर था उनका दिल्ली जैसे शहर में. तो क्या हुआ कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ऐसा डाउन आया उनकी लाइफ में, इतना बुरा डाउनफॉल आया कि सब कुछ उनका वो करोड़ों का घर ही सबसे पहले बेचना पड़ा. तो गाइज, लाइफ में किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता है? आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए कि वो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस का कोई लेवल नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो आती जाती रहती है लाइफ में. असली इंसान वही होता है जो उन्हें ढंग से टैकल कर पाता है, ढंग से समझ पाता है. और वो समझ आपकी तभी आती है जब आपको तजुर्बा होता है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं और लाइफ में आपके साथ अच्छा बुरा हो. जब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा तब तक आप उस बुरे को लड़ने के लिए सोच ही नहीं सकते आप इसके अगेंस्ट कैसे फाइट करनी है. तो कभी भी होप मत खोइए. उनका सब कुछ बेकार हो गया था, उनको हार्ट अटैक आ गया था, मौसा जी को बुरी हालत हो गई थी उनकी, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ के उन्हें सोचा ही नहीं था. इतना प्राउड था, इतनी जगह हर जगह मैं ऐसे मतलब एटीट्यूड में रहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है वैसा है, और पता है उनकी हेल्प किसने करी? जो बहुत मिडिल क्लास थे. तो बहुत ऐसे लोग थे जो बस अपना नॉर्मल था, अपना अपनी ज़िंदगी गुजारते, उन लोगों ने उनकी हेल्प करके उनको घर दिलाया, धीरे धीरे उनके फिर से बनाया और अब तो बहुत अच्छे हैं. फिर से उन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया. लेकिन देखिए सिचुएशन देखिए ना, एक और बताती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है वुमेन सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं. एक और बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, उसको किसी लड़के से प्यार था, तो बहुत अच्छा था उनका रिलेशनशिप पहले, लेकिन वो लड़का सही नहीं था उसके लिए. वो रिलेशनशिप मेरी वजह से ही टूटी थी. मैंने अपने फ्रेंड को समझाया कि नहीं, तुम लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है. वो उसे चुपके से शादी करना चाहता था, कोर्ट मैरिज, और तब वो पढ़ रही थी. सोचिए कोई पढ़ते वक्त अपने इतने गट्स नहीं है लड़के में कि पेरेंट्स को जाके बोले कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है. मैंने उस लड़की को यही समझाया, मैंने कहा उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स को जाके बोल सके कि आपकी लड़की से शादी करनी है, और तुम ऐसे लड़के के साथ चुपके से कोर्ट मैरिज कर लोगी, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचोगी. उस लड़की को मेरी बात समझ आई, उसने कहा नहीं पूजा मैं ये काम नहीं करूँगी, थैंक यू सो मच तूने मुझे रियलाइज कराया. मैंने कहा तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बता दूंगी ये काम नहीं करना है. उस बंदी ने मेरी बात मानी, फिर उस लड़के को समझाया, लेकिन वो लड़का नहीं माना. उस लड़के ने उस लड़की के घर में फ़ोन कर दिया कि आपकी लड़की मुझे परेशान करती है, ये करती वो करती. यकीन मानिए दोस्त, मतलब जो प्यार करता है कैसा करेगा, उस लड़की को बदनाम करेगा. तो उस लड़की को इतना बदनाम किया कि उसके पापा उसे अगले दिन ही वहाँ से ले गए. अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी वो, उसे वहाँ से ले गए, उसे कमरे में बंद कर दिया, उसे बहुत मारा पीटा उन्होंने, और मैं वहाँ नहीं थी जब वो लेने आए थे, नहीं तो मैं ऐसा नहीं होने देती. लेकिन उसको चुपके से ले गए हमारे पीछे और सब कुछ जाके बहुत परेशान किया उसको. उसने तो लाइफ की पूरी मतलब होप ही खो दी थी. उसने सोचा था अब सुसाइड ही कर पाऊंगी, ना माँ बाप के सामने इज्जत बची है, और लड़के ने तो इज्जत उतारी दी है ऐसा गलत गलत बोल के. वो उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करता था, क्योंकि लड़की बहुत रिच थी, उसको लगता था उससे शादी कर लेगा तो दहेज वहेज मांग लेगा. सोचिए क्या क्या मेंटालिटी थी. लेकिन आप देखिए उसके साथ इतना बुरा हुआ, इतनी कमज़ोर हो गई थी उसका, मतलब
वैसे तो ज़्यादा मोटी नहीं थी वो, लेकिन 30 kg वेट हो गया था दोस्तों, सोचिए। उससे हमसे बात नहीं कराते थे उसके पेरेंट। मैं बहुत बार कॉल करती थी उसको, कोई कॉल नहीं, उसके पास कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है, बस उसके पापा को एक बार बोली थी, उसके पापा ने जब फ़ोन उठाया था, मैंने अंकल आपको अभी बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है अपनी बेटी पे, लेकिन प्लीज़ उसे एक चांस दीजिए कि बहुत अच्छा पढ़ सकती है, एक बार आप मौका दीजिए। चाहे उसे घर पे ही सारे मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है, और बहुत अच्छा कर रही थी, उसकी गलती नहीं थी। बस वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको बताना चाहती थी जो उसके साथ हो रहा है, और वो उस लड़के को सच में लाइक करती थी, इसीलिए उसके लिए इतना सोचती थी, बाकी वो कोई परेशान नहीं करती थी। उसके पापा ने शायद मेरी बात सुनी और उसको सारे चीज़ें घर पे ही प्रोवाइड कराई। थोड़ा ट्रस्ट टूटता है तो एकदम से नहीं बनता है, तो बाद में पता चला, दोस्तों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था, बाद में पता चला उस लड़की ने नेट क्वालिफाई किया, JRF लिया, MTech किया, अच्छे कॉलेज से किया, मतलब IIT से वो PhD करी उसने, और शायद वो घटिया इंसान उसकी लाइफ में रहता तो वो ये नहीं कर पाता। तो उसके लिए वो फॉल आना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, वो रियलाइज़ नहीं होता उसे जब तक वो अगर ऐसा नहीं करती। और आज वो इतनी कामयाब है, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है उसे, सब कुछ बहुत अच्छा है। तब जाके बात हुई पूजा, फाइनली मेरी लाइफ का एम पूरा हो गया। उस टाइम तो मैं टूट गई थी, और तुम्हारी बस एक बात याद थी मुझे कि कभी भी हार मत मानना, सिचुएशन जैसी भी हो हार मत मानना और लगी रहना। किसी को प्रूव करना है तो सिचुएशन से प्रूव करो, बोल बोल के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने उसे लास्ट डायलॉग मारे थे जब मेरी बात हुई थी। और फाइनली दोस्तों, मतलब मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी फ्रेंड थी तो मैंने बताया, मैंने बस ऐसा बोला था उसे, लेकिन उसने वो चीज़ मुझे बाद में बोली जब वो सब कुछ अच्छा हो गया, कि पूजा फाइनली आई एम हैप्पी। और दोस्तों सच में बहुत हैप्पी है, उसकी पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं, सब कुछ बहुत हैप्पी है। तो वो अपनी होपलेस मतलब नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर मोमेंट ऐसा नहीं है, वो एक ऐसा रहेगा, तो हमेशा बस कोशिश कीजिए उस चीज़ को ढंग से आप टैकल कर पाए, वो हिम्मत लाइए, वो जज्बा लाइए उन चीज़ों को लड़ने के लिए। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अच्छे बुरे कॉमेंट देते जाइए। थैंक यू गाइज, थैंक यू।